फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी करो विद राज। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शादी में जाने की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या मेंशन करना होता है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां से आपको लिखना सेवा में, सेवा में, ओके, यहां पे कॉमा लगाना, देन नीचे आना श्रीमान मैनेजर मैनेजर साहब महोदय, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन करना है, कंपनी का नाम, देन उसके नीचे कंपनी का पता मेंशन करना है, कंपनी का पता, ओके, कंपनी का नाम, देन कंपनी का पता। विषय में आपको लिखना है, चार दिन की छुट्टी के संबंध में, आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए उतना दिन आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसे स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां से आपको लिखना है सविनय या महाशय, सविनय, मैं अपना नाम मेंशन करना है, राम दुबे, आपकी कंपनी में क्लर्क की पोस्ट पर पिछले 5 साल से कार्यरत हूं। एक सेकेंड, यहाँ गलत हो गया, कार्यरत हूँ मैं, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 15 दिसंबर को मेरे मामा के बेटे की शादी है, जिसके लिए मुझे 4 दिन के अवकाश की जरूरत है, ठीक है। एक सेकेंड, जरूरत है, स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं, आते हैं, आपसे निवेदन है कि आप मुझे पंद्रह 12-24 से
18, 12, 24 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, करने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ पे लिखना धन्यवाद। ठीक है, अपना नाम मेंशन करना है। ठीक है, अपना एम्प्लॉय कोड मेंशन करना है। ठीक है, एम्प्लॉय कोड, अगर आपका कोड है तो कोड मेंशन कर सकते हैं, अगर कोड नहीं है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट में आपको हस्ताक्षर मेंशन करने हैं और एप्लीकेशन दिनांक मेंशन करनी है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।